एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, इट्स मी योर केरल लामा। सो या गाइस, एंड आफ्टर लॉन्ग गैप है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन हो गया हम व्लॉग नहीं बना रहा था। हाँ, जो भी जो अच्छे हुए, हाँ वो हम भी सॉरी। सो बहुत दिनों के बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था और बहुत दिनों से मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, है ना। कुछ पर्सनली प्रॉब्लम चल रहा था मेरा लाइफ में और सोचा कि हम कंटिन्यू नहीं करेगा, व्लॉग को ख़त्म कर देगा। अभी तक जितना भी हमने व्लॉग बनाया है, जितना भी हमने इंटरेस्ट किया यूट्यूब में ना, वो सब हम पूरा वीडियो सब डिलीट कर देगा सोच रहा था। फिर बहुत सोचा है ना, बहुत सोचा, बहुत समझाया घर वाला लोग ने भी, फ्रेंड लोग, मतलब मेरे जितना भी दोस्त लोग है, जितना फ्रेंड सर्कल, सब लोग बहुत ज़्यादा समझाया और फाइनली फिर जाके आज से हमने शुरू किया है। तो लाइफ में तो अप एंड डाउन हमेशा चलते रहते हैं, इंसान के लाइफ में तो प्रॉब्लम तो है ना, और उसको लेके सीरियस नहीं होना चाहिए। तो लाइफ को जैसा चल रहे हो वैसे चलते रहना देने चाहिए, है ना। और छोड़ो सब बात को, छोड़ो। और आज हम आया गाजलडुबा, बहुत दिनों से आने का मन था तो आज हम गाजलडुबा आया मेरा फ्रेंड के साथ। और हेलो करेगा, हेलो भैया, हेलो करेगा, सिर्फ हेलो करो या। और मसूद, हम दोनों आज आया है गाजलडुबा में, बहुत दिनों से आने के लिए बात कर रहा है ना, पर आज आया, टाइम भी तो नहीं मिल रहा था उसको भी, वो भी बिजी, मतलब वो तो फ्री रहते हैं पर हम थोड़े बिजी होते तो वही नहीं आ पा रहा था। तो आज बहुत टाइम निकाल के आया, तो या घूमेंगे गाजलडुबा और अभी आइसक्रीम लिया है, आइसक्रीम खा के फिर हम लोग खाते खाते अंदर जाएगा। सो बने रहिएगा गाइस और देखते रहना मेरा व्लॉग, और होप कि आप लोग मेरा वीडियो लाइक करेगा होगा और आज के बाद फिर से हम कंटिन्यू बनाने के लिए कोशिश करेगा व्लॉग, है ना। पर डेली डेली व्लॉग जो नहीं डाल सकते हम, क्योंकि हमको होता भी नहीं टाइम से भी हो, पर जितना समय हो सके हम एकदम कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा ओनली फॉर यू गाइस। सो या अभी आइसक्रीम खाएगा। और हमने लिया कुल्फी, ये शायद क्या कुल्फी था, ये नट कुल्फी है कि क्या कुल्फी पता नहीं, बहुत ज़्यादा है इसमें क्या 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 है, हमने पढ़ा भी नहीं अच्छे से। मलाई कुल्फी अब इवनिंग हो गया, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है खाने का। ये गाजलडुबा, सी गाइस, पैक कर दीजिए ना। सो अभी हम लोग आए हैं टिस्टा रिवर में, गाजलडुबा का ये क्या बन चा, गाजलडुबा का ये ब्रिज में आने से आप लोगों को टिस्टा रिवर देखने को मिलेगा। और ये रहा जो मेरे बैक साइड में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, बहुत सुंदर है और व्यू भी बहुत अच्छा आते हैं यहाँ से। पर अभी हम लोग आते आते थोड़ा लेट हो गया है ना, अंधेरा हो रहा है और थोड़ा इससे भी थोड़ा जल्दी आया होने से और भी सुंदर देखने के लिए मिला था शायद, है ना। मैं क्या थोड़ा अंधेरा ही हो गया ना, थोड़ा उजला में आने से और भी अच्छा था, लेकिन हम लोग आते आते लेट हो गया, बहुत थोड़ा ज़्यादा दूर भी था। चलो अभी हम लोग उस पार जाएंगे हो, और इसको मसूद ने बोला था, क्या बोला था वो, वाटरफॉल, वो बोल रहे हो वाटरफॉल बोल रहे हो, मेरा वीडियो ख़राब करने के लिए क्या 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 बोल रहे, गलत गलत। मज़े बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है अभी इवनिंग में यहाँ आने से, ना माइंड फ्रेश हो जाते हैं और रिवर भी काफ़ी बढ़िया है। पर अभी बारिश की वजह से, अभी तो पूरा रेनी सीजन है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा है ना, ओ
पानी बहुत गंदा है, पूरा कीचड़ कीचड़ वाला पानी, गंदा वाला पानी है। हाँ बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, पर ये जगह तो अच्छा है, मज़ा लगा हमको, अच्छा लगा। पर थोड़ा उजला में आना चाहिए था हम लोगों को, अभी आके थोड़ा इधर उधर घूमते ही अंधेरा हो गया। और यहाँ में आप लोगों छोटे 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 शॉप भी लगा हुआ है, यहाँ में है गन्ने का जूस मिलेगा आपको, शुगर कैन का जूस है ना। और यहाँ में छोटे छोटे आइसक्रीम का स्टॉल लगा है, और पानी पूरी का भी है, चाट का भी है। ये मेरा कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा वाला दोस्त था, और कैसे लग रहे बोला, गर्लफ्रेंड बढ़िया, बहुत मस्त गर्लफ्रेंड फ्रेंड बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। वो तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मजा आ रहा है ना अभी, बहुत मजा आ रहा है, सिंगल लाइफ मजा है ना, बहुत फ्री लाइफ, घूम सकता हूँ कहीं पे, जा सकता हूँ, ना कोई गर्लफ्रेंड का टेंशन, ना कोई कुछ, बोलने वाला भी कोई नहीं है, इसके साथ जा रहे हो ना जा रहे हो, कौन कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, कुछ नहीं है, बिंदास अकेले रहो, सिंगल रहो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। या गाइस, सो हम लोग रिवर से वापस आ चुके हैं देख के, और यहाँ में छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, लोकल मार्केट जैसे टाइप में है ना, सो ये डेली रहता है यहाँ में, अभी पूछा तो यहाँ में जो आंटी लोग का छोटा छोटा सा स्टॉल खुला हुआ है, अंकल आंटी लोग यहाँ में ना, यहाँ के लोकल लोग, और ये स्टॉल में आपको मिलेगा जो ये रिवर था ना, वो रिवर में पॉन ये सब खाने का है ना, मच्छी छोटा छोटा सा है ना, वो सब फिश सब मिलते हैं यहाँ में ना, कैसे पकड़ रहे होते, वो सब यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा आपको ट्राई करने के लिए। सो एकदम फ्रेश मिलता है, मतलब यही रिवर से ही लेके लोग बेचते हैं ना, तो मसूद ने बोला एक बार ट्राई करेगा करके, मैंने कभी खाया नहीं तो खा के देखते हैं कैसा है करके, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। इफ़ आप लोग यह रिवर में आते हैं घूमने के लिए, तो प्लीज़ यहाँ पर भी विज़िट कीजिए, और एक बार खा के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम भी फर्स्ट टाइम ही आया, देखिएगा खा के कैसे, जगह अच्छा है, सुंदर है, एकदम मज़ा है पीस करके इवनिंग में आके घूम के जाने के लिए, मज़ा है। चलो खाएगा, और ये रहा ये स्टोर का आंटी, हेलो आंटी, हाय बोल दो ना, या गाइस, सो फाइनली मैंने एंड मसूद ने ट्राई किया फिश पॉन्ड जो कि टिस्टा रिवर का है, और वहाँ पे रखता है ये लोकल वहीं का, और ये रहा, और हम लोग ने ट्राई किया, थोड़ा अजीब सा लग रहा था हमको खाते समय, और खाने से पहले मैंने गॉड को ऑफरिंग किया जो कि मैं हर समय करती हूँ कुछ भी खाने से पहले, पर बहुत ज़्यादा गर्म था गाइस तो पकड़ने में तकलीफ़ हो रहा था हमको, और फ्रेश फ्रेश बना के दे रहा था तो गर्म से मेरा थोड़ा मुँह भी जल रहा था, तो खाने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं था जितना मैंने सोचा था, बट या इट्स ओके, ट्राई करना तो बनता है, गरम ज़्यादा था फिर मुश्किल ही लगा खाने टाइम में, और ये रहा जो कि बना के रखते हैं वो लोग, और जाके हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा खाना है, फिर उन लोग गर्म करके निकाल के देते, सो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाया और वहाँ से निकल गए। फिर या गाइस, सो हम लोग ने खा लिया पी लिया, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ऑलरेडी शाम का बज चुका है 7, और जाते जाते फिर लग जाएगा कुछ 1 आवर ऐसा कुछ लग जाएगा, काफ़ी दूर था आते वक्त, दूर लगा था, तो अभी हम लोग निकलेगा फटाफट से यहाँ से, अंधेरा हो चुका है, हमको डर लगता है रास्ता में हाथी तो नहीं मिलेगा ना, ओ हाथी मिलेगा तो तुम फाइट करो रे, हम उसके ऊपर बैठ के हीरो दिखा रहे, जल्दी आओ, अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, ऑलरेडी रात हो चुका है। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मेरा वीडियो हम यहीं एंड करेगा, क्योंकि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, मतलब हॉस्टल जाके फिर एंड करना पड़ेगा, सो हमेशा मेरा ब्लॉग जाके हॉस्टल में ही जाके एंड होता है, तो हम सोचा कि आज का यहाँ का ब्लॉग यहीं में शुरू करके यही एंडिंग कर देगा, और हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं, सो क्या बोलो, लो बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, है ना, ओके गाइस, सी यू सून, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, गुड नाइट, गुड नाइट, लव, गुड नाइट, बाय बाय।